प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत है भास्कर बीरबल सिंह चैनल में। और ये आपका अपना चैनल है। और बंधु लोगों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो देखें भी और साथ ही साथ कमेंट भी करें। और वीडियो को शेयर करने के लिए ये जो माउस आपको दिख रहा है, यहाँ पर जाकर के आप शेयर करें। इसके अलावा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी पुश करना है। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ प्लेलिस्ट की तरफ। तो हिंदी साहित्य प्लेलिस्ट है जिसमें वर्तमान में बेहतर वीडियो दिखा रहा है। कंप्यूटर की प्लेलिस्ट है, उसमें एक वीडियो दिखा रहा है। हिंदी व्याकरण के 3 वीडियो दिखा रहा है। राजस्थान जीके का एक वीडियो दिखा रहा है। और मनोविज्ञान की जो प्लेलिस्ट है, उसमें दिखा रहा है 5 वीडियो। हालांकि वो शो नहीं हो रहा है, स्क्रीनशॉट इतने का ही आ पाया। तो कुल मिलाकर दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड हिंदी साहित्य के बेहतर वीडियो हैं। कंप्यूटर का एक वीडियो है, हिंदी व्याकरण के 3 वीडियो हैं जो फर्स्ट ग्रेड से संबंधित हैं, राजस्थान जीके का एक है जो कि फर्स्ट ग्रेड से संबंधित है, और 5 मनोविज्ञान के हैं जो कि फर्स्ट ग्रेड से संबंधित हैं। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब भी करें। और अब तो परीक्षा भी आगे बढ़ चुकी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें, ताकि ये 8014 का जो आंकड़ा है वो 16028 तक पहुंच जाए। मैं आशा करता हूं कि आप ऐसा करेंगे। और चलते हैं दोस्तों, तो प्लेलिस्ट को आप देख लेवें और प्लेलिस्ट से आप पढ़ भी सकते हैं और इस प्लेलिस्ट को अपने मोबाइल में ऐड भी कर सकते हैं। तो ये था मेरे चैनल का इंटरफेस दोस्तों। अब चलते हैं आगे की तरफ, और आगे की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। और प्रश्न है आज के, 60 प्रश्न हैं। सचेतन कहानी का प्रवर्तन किसने किया? तो सचेतन कहानी का प्रवर्तन 1964 के आसपास महीप सिंह ने किया। तो महीप सिंह ने सचेतन कहानी का प्रवर्तन किया 1964 के आसपास। तो 64 के आसपास महीप सिंह ने सचेतन कहानी का प्रवर्तन किया। अब ये 3 नाम हैं, अचेतन कहानी, साठोत्री कहानी, ए कहानी आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया? अचेतन कहानी, साठोत्री कहानी, ए कहानी आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया? तो ये जो नाम है वो निर्मल वर्मा का नाम है, वो उभर कर अपने सामने आता है। तो निर्मल वर्मा ने इन तीनों का प्रवर्तन किया। समांतर कहानी का प्रवर्तन किसने किया? तो कमलेश्वर ने किया, और सन 1971 के लगभग किया। प्रगतिवाद का आरंभ कब से कब तक माना जाता है? तो ये 1936 से 1943 तक माना जाता है, 1936 से 1943 तक। अगला है, प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये 1943 से माना जाता है, जब अगे ने प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन किया था। उसको सप्तक ही, यानी पहले तार सप्तक को ही तार सप्तक कहा जाता है, बाद में तो क्या कहा जाता है, सप्तक कहा गया। नई कविता का समय कितना माना जाता है? तो सन 1942 से 1953 तक का माना जाता है। नई कविता का समय कितना माना जाता है? 1942 से 1953 तक। किस काल की कविता को समकालीन कविता कहा गया है? किस काल की कविता को समकालीन कविता कहा गया है? तो ये 1960 के बाद की जो कविता है उसको समकालीन कविता कहा गया है। नेक्स्ट है, सच्चिदानंद हीरानंद वाटसन एगे के निबंध संग्रह, और उसका नाम है आत्मपरख। आत्मपरख का प्रकाशन कब हुआ? तो ये 1983 में प्रकाशित हुआ, 1983 के अंदर प्रकाशित हुआ। सच्चिदानंद हीरानंद वाटसन एगे के निबंध संग्रह आत्मपरख का प्रकाशन कब हुआ? 1983 में। आपका बंटी किसका उपन्यास है? तो आपका बंटी मनु भंडारी का उपन्यास है। उसके बाद है, चित कोबरा किसका उपन्यास है? तो चित कोबरा है वो मृदुला गर्ग का उपन्यास है, मृदुला गर्ग का उपन्यास है चित कोबरा। सृजना और संदर्भ, सृजना और संदर्भ किस निबंधकार का निबंध है? निबंध संग्रह। तो सृजना और संदर्भ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ऐगे का निबंध संग्रह है, और ये सन 1985 में प्रकाशित हुआ। दूसरी बार किस उपन्यासकार का उपन्यास है? दूसरी बार किस उपन्यासकार का उपन्यास है? तो इसका उत्तर है श्रीकांत वर्मा का, श्रीकांत वर्मा का उपन्यास है। अगला है, कुरु कुरु स्वाहा किस उपन्यासकार का उपन्यास है? तो ये मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है, और इसका नाम है कुरु कुरु स्वाहा। अगला है, राग दरबारी किसका उपन्यास है? तो राग दरबारी है वो श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। तो मोस्ट मोस्ट चीजें ली गई हैं इसमें अलग अलग। अगला है, स्मृति लेखा किस निबंधकार का निबंध संग्रह है? स्मृति लेखा किस निबंधकार का निबंध संग्रह है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ऐगे का ये निबंध संग्रह है, और 1982 में ये प्रकाशित हुआ। केंद्र और परिधि, अगला है,
केंद्र और परिधि किस निबंधकार का निबंध संग्रह है? तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आगे का निबंध संग्रह 1984 में प्रकाशित हुआ। अगला है नई कविता का आत्म संघर्ष, किस निबंधकार का निबंध संग्रह है? ये गजानन माधव मुक्तिबोध का निबंध संग्रह है। सूरजमुखी अंधेरे में, यारों की यार, मित्रों मरजानी, डार से बिछुड़ी, जिंदगी नामा ए लड़की। तो ये बहुत सी रचनाएं, सूरजमुखी अंधेरे में, यारों की यार, मित्रों मरजानी, डार से बिछुड़ी, जिंदगी नामा ए लड़की, किस उपन्यास लेखिका के उपन्यास हैं? तो ये कृष्णा सोबती के उपन्यास हैं। सूरजमुखी अंधेरे में, यारों की यार, मित्रों मरजानी, डार से बिछुड़ी, जिंदगी नामा ए लड़की, ये कृष्णा सोबती के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है टूटना किसकी कहानी है? तो टूटना है वो राजेंद्र यादव की कहानी है। यही सच है किसकी का किसका कहानी किसकी कहानी है सॉरी मनु भंडारी की कहानी है। बयान और राजा निर्वंशिया, बयान 1 नंबर और राजा निर्वंशिया 2 नंबर। किसकी कहानियां हैं? तो ये कमलेश्वर की कहानियां, बयान और राजा निर्वंशिया। नेक्स्ट प्रश्न है अपना अपरिचित कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो अपरिचित कहानी के लेखक का नाम मोहन राकेश है। मिस पाल किसकी कहानी है? मिस पाल मोहन राकेश की कहानी है। तो ये मोहन राकेश की कहानी का नाम मिस पाल है। तलाश कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। तो ये तलाश कहानी के कहानीकार का नाम है कमलेश्वर। नेक्स्ट प्रश्न अपना आता है छुट्टी के दिन, छुट्टी के दिन कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। तो छुट्टी के दिन कहानी के कहानीकार का नाम जो उषा प्रियवंदा है वो हैं छुट्टी के दिन के। जिंदगी और जोंक किस कहानीकार की कहानी है? तो ये जो मोस्ट मोस्ट कहानियाँ के बारे में प्रश्न है अमरकांत की, जिंदगी और जोंक। अगला प्रश्न है अपना गुनाहों की देवी, गुनाहों की देवी किस उपन्यासकार का उपन्यास है? तो गुनाहों की देवी है वो यादवेंद्र शर्माचंद्र का उपन्यास है। दीक्षा किस उपन्यासकार का उपन्यास है? दीक्षा नरेंद्र कोयली का उपन्यास है। दीक्षा किस उपन्यासकार का उपन्यास है? नरेंद्र कोयली का उपन्यास है। गोबर गणेश किसका उपन्यास है? तो गोबर गणेश रमेश शाह का उपन्यास है, रमेश शाह का उपन्यास है। अगला है उसके हिस्से की धूप किस उपन्यासकार का उपन्यास है? उसके हिस्से की धूप किस उपन्यासकार का उपन्यास है? तो ये मृदुला गर्ग का उपन्यास है, मृदुला गर्ग का उपन्यास है। समकालीन कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? तो समकालीन कहानी के प्रवर्तक डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल हैं, डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल। हंसा जाई अकेला किसकी कहानी है? तो ये मार्कंडे की कहानी है, हंसा जाई अकेला मार्कंडे की कहानी है। बोलने वाली औरत किसकी कहानी है? ये ममता कालिया की कहानी है। बोलने वाली औरत किसकी कहानी है? तो ये ममता कालिया की कहानी है। क्षितिज के पार किसकी कहानी है? तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कहानी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कहानी है। रहीमन दागा प्रेम का किसकी कहानी है? रहीमन दागा प्रेम का किसकी कहानी है? तो रहीमन दागा प्रेम का किसकी कहानी है? मालती जोशी की कहानी है। और दोस्तों मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है कि हम लगभग हर वीडियो को 2000 के आसपास देखते हैं, और अगर आप में से सब 1 पर्सन कमेंट के रूप में लिखें तो अपने पास यानी बहुत बड़ा वीडियो संकलन हो जाएगा। वीडियो संकलन क्या, हमारे कमेंट ही एक तरह का बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो देखने वाले जो प्रत्येक भाई बंधु है एक कमेंट में 1 पर्सन करें, जैसे रहीमन दागा प्रेम का मालती जोशी की कहानी है, इस तरह से कमेंट कर दिया, रहीमन दागा प्रेम का मालती जोशी की कहानी है। दूसरे बंधु ने कमेंट कर दिया सफ़ेद कौवा है वो मंजुल भगत की कहानी है। तो इस तरह से अगर हम कमेंट में प्रश्न लिखें, कमेंट में प्रश्न लिखें यानी प्रश्न उत्तर बनाने की जरूरत नहीं, सफ़ेद कौवा मंजुल भगत की कहानी है इस तरह से लिख दें, तो मैं सोचता हूँ कि कई हजारों प्रश्नों का संकलन अपने पास हो जाएगा। और साथ ही साथ इसमें ये फायदा होगा कि कमेंट पर भी हमारे उपयोगी हो जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब ने जब सेवा दी है तो उस सेवा को भी हम उपयोगी तरीके से काम में ले सकते हैं। तो सफेद कौवा किसकी कहानी है? तो ये मंजुल भगत की कहानी है। अगला है तेंदुआ किस नाटककार का नाटक है? किस नाटककार किसका नाटक है तेंदुआ किसका नाटक है? तो मुद्रा राक्षस का नाटक है, टाइप मिस्टेक हो गया भैया। सिंहासन खाली है किसका नाटक है? तो सिंहासन खाली है सुशील कुमार सिंह का नाटक है। अगला अपना है
पेपर वेट किसका नाटक है? पेपर वेट रमेश उपाध्याय का नाटक है। अब और नहीं, किस नाटककार की नाट्य रचना है? तो विष्णु प्रभाकर की नाट्य रचना। अब और नहीं, किस नाट्यकार की नाट्य रचना है, यानी नाटककार की नाटक रचना है? तो विष्णु प्रभाकर के मंटो मेरा दुश्मन, ज्यादा अपनी कम पराई, ज्यादा अपनी कम पराई, ये दो रचनाएं हैं। तो किस लेखक के रेखा चित्र हैं? अब ये रेखा चित्र हैं, तो रेखा चित्र हैं उपेंद्र नाथ अशक के। अगला है बचपन की स्मृतियां, किस लेखक का संस्मरण साहित्य है? तो ये राहुल सांस्कृत्यान का संस्मरण साहित्य है बचपन की स्मृतियां। माखनलाल चतुर्वेदी के संस्मरण साहित्य रचना का नाम बताइए, तो समय के पांव है। नेक्स्ट प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन की संस्मरण रचना का नाम बताइए, तो ये नए पुराने झरोके। हम हसमत किस की संस्मरण रचना है? तो ये कृष्णा सोबती की संस्मरण रचना है। हम हसमत कृष्णा सोबती की रचना है। आठवां सर्ग किस नाटककार का नाटक है? तो आठवां सर्ग है वो प्रसिद्ध नाटक है सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। नेक्स्ट है चाय पार्टियां किस नाटककार का नाटक है? तो ये संतोष कुमार नोटियाल का नाटक है। चाय पार्टियां संतोष कुमार नोटियाल का नाटक है। कबीरा खराब बाजार में किस नाटककार का नाटक है? तो ये भीष्म साहनी का नाटक है। कल भात आएगा किस नाटककार का नाटक है? तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। दुलारी बाई किसका नाटक है? तो दुलारी बाई मणि मधुकर का नाटक है। जीवन के प्रति आस्था किस कविता की विशेषता है? तो जीवन के प्रति आस्था किस कविता की विशेषता है? तो ये नई कविता की विशेषता है। अगला प्रश्न है क्षणवादी दृष्टि किस कविता की विशेषता है? तो ये नई कविता की विशेषता है। ये नई कविता की विशेषता के 5-6 प्रश्न है। लघु मानवतावादी दृष्टि किस कविता की विशेषता है? तो ये नई कविता की विशेषता है, यानी इसमें लघु मानव का भी चित्रण किया गया है। उसके बाद है जीवन मूल्यों के प्रति सकारात्मक रवैया किस कविता की विशेषता है? जीवन मूल्यों के प्रति सकारात्मक रवैया किस कविता की विशेषता है? तो ये नई कविता की विशेषता है। अनुभूति की सच्चाई नए जीवन मूल्यों की व्याख्या यथार्थवादिता आधुनिक युगबोध नया शिल्प विधान किस कविता की विशेषता है? तो प्रश्न देखिए अनुभूति की सच्चाई नए जीवन मूल्यों की व्याख्या यथार्थवादिता आधुनिक युगबोध नया शिल्प विधान किस कविता की विशेषता है? तो ये सारी की सारी है वो नई कविता की विशेषता है। और इसमें जीवन के प्रत्येक क्षण को आनंद के साथ भोगने की विशेषता पर बल दिया गया है, यानी क्षणवाद को महत्व दिया गया है। अगला है शिवालिक की घाटियों में किस लेखक का यात्रा वृतांत है? तो ये विद्यानिधि सिद्धांतालंकार का यात्रा वृतांत है। तो शिवालिक की घाटियों में जो यात्रा वृतांत है वो विद्यानिधि सिद्धांतालंकार का यात्रा वृतांत है। अगला है नगेंद्र के यात्रा वृतांत का नाम बताइए, तो ये बहुत ही मोस्ट है तंत्रालोक से यंत्रालोक तक। नगेंद्र के यात्रा वृतांत का नाम है तंत्रालोक से यंत्रालोक तक। प्रयोगवादी कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो प्रयोगवादी कविता की सबसे बड़ी विशेषता है यथार्थवादिता, यानी यथार्थ के धरातल पर टिकी हुई कविता है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के जीवनी साहित्य का नाम बताइए, तो ये महाराणा प्रताप सिंह नाम की इन्होंने जीवनी साहित्य की रचना की महाराणा प्रताप के जीवन पर। रामवृक्ष शर्मा ने, ये बेनीपुरी नहीं है, रामवृक्ष शर्मा ने किसकी जीवनी लिखी? तो शिवाजी की जीवनी लिखी। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। और आज ये 60% थे, और मैं चाहता हूँ कि कमेंट में भी आप प्रश्नों को लिखें, ताकि प्रश्नों का बहुत बड़ा संकलन अपने पास हो और पढ़ने का भी मज़ा आए।